गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप ऑल डूइंग गुड। तो आज हम जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 22891 हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भाया टाटा नगर। तो आप बोलेंगे भाई आज आप इस ट्रेन में क्यों जर्नी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं इस ट्रेन को आज ICF से LHB कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नए LHB कोचेस इसको दिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको इस ट्रेन का जर्नी दिखा दूँ। आपको पता है हमें हमेशा नए LHB कोचेस जब नया ट्रेन को दिए जाते हैं तो मैं उसका जर्नी आपको दिखाता हूँ, तो इस बार भी क्यों ना दिखाया जाए। दो तीन दिनों में ताम्रो हावड़ा दीघा ताम्रलिप्त एक्सप्रेस, हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो 4:50 पे हावड़ा से खुलता है, और हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भाया आद्रा होके जो पुरुलिया जाता है, ये तीन ट्रेनों को मिला है LHBification फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो वो नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया नया जर्नी आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आपको इस ट्रेन का जर्नी आपको दिखाना जरूरी है, बिकॉज तीन ट्रेन तो नहीं हुआ, इस ट्रेन का तो जर्नी आपको दिखाना तो बनता है ना, तो इसीलिए आपको इस ट्रेन का भी जर्नी दिखाएंगे। तो जर्नी तो स्टार्ट करेंगे, जर्नी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नए हैं बार बार बोलना पड़ता है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो क्या होगा, भाई को सपोर्ट नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा आपको बढ़िया ट्रेन जर्नी मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती है, यूजर ID ऊपर वगैरह कहीं भी दिख रहा होगा, IRF शुभदीप नाम से एक ही नाम है, पर जाइए फॉलो कर लीजिए। देख सकते हैं पीछे है हावड़ा ब्रिज, देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन जाता हूँ, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा डेट ऑफ जर्नी है 26 जनवरी, मतलब रिपब्लिक डे है आज। तो चलिए शुभकामना करके जाते हैं अंदर और देखते हैं, और तब तक के लिए जर्नी हाईलाइट सब इंजॉय करते रहिए, अंदर जाके बात करते हैं आपके साथ। 1 2 3 गो। वेलकम टू माय चैनल विद ए न्यू जर्नी ब्लॉग। फिलहाल मैं हावड़ा स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, कोच नंबर है मेरा T3, सेकेंड सीटिंग में ट्रेवल कर रहा हूँ। पता है आपका भाई सेकेंड सीटिंग या जनरल कोच में ट्रेवल करने के लिए जाना जाता है, तो इसे जर्नियों का सीटिंग कोच में नया LHB ऑलरेडी सेंडिंग हो चुका है, देख सकते हैं यह है कोच। चलिए देखेंगे लोकोमोटिव और उसके बाद कोच के अंदर घुस के आपके साथ पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। गाइस मैं आ गया हूँ लोकोमोटिव के सामने, देख सकते हैं WAP 7283 करने वाला है लीड हावड़ा से रांची तक। लेकिन मैं जर्नी कर रहा हूँ, आपको बता दूं मैं जर्नी कर रहा हावड़ा से झारग्राम तक, बिकॉज पूरा इशू है इसीलिए मैं जर्नी कर रहा हूँ। वहां से एक बढ़िया ट्रेन जर्नी आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, 155 किलोमीटर डिस्टेंस में कर रहा हूँ कवर, होल्ट आएगा सिर्फ एक। तो चलिए जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे डिपार्चर। सो गाइस देख सकते हैं मैं आ गया हूँ कोच के अंदर, लेकिन मेरा कोच था T3, लेकिन मैं बैठा हूँ T11 में। T3 में इतना कंजेशन था, इतना भीड़ था, इसलिए मैंने सोचा अभी कोविड का टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि 11 में ही बैठा जाए। देख सकते हो पूरा कोच एकदम जो खाली है, मतलब एक साइड से सीट बुक होते आता है ना, तो इसीलिए D3 D4 D5 तक थोड़ा भीड़ भाड़ है, लेकिन D6 से D11 तक क्या है पूरा एकदम कोच जो है पूरा एकदम खाली है। एक दो जन बैठा है, मेरा कुछ नहीं, एक जन है मेरे साथ, मेरा दोस्त ट्रेवल कर रहा है। और चलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, इस ट्रेन जब ICF ट्रेन था तब 14 कोचेस के साथ रन करता था, लेकिन ये ट्रेन इसको आज ही इसको नए LHB कोचेस दिए गए और इसको कर दिया गया 15 कोचेस, मतलब एक कोच बढ़ा दिया।
जैसे भी हो, साउथ ईस्टर्न रेलवे का कुछ अलग ही मैटर है, जो भी हो टोटल स्टेट में टोटल आपको मिल जाएगा 2 AC चेयर का, मतलब दो था दो ही गियर दिया गया, एक DL1 और एक जनरेटर का, मतलब दो पहले SLR था, एक बना दिया जनरेटर का और एक हो गया आपका लगेज कम डिसेबल, मतलब वहां भी सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें आपको पता चल गया कल चल जाएगा कि DL1 चीज क्या होता है, और आपको मतलब और टोटल 11 आपको मिलेगा सेकेंड सीटिंग कोच, जिसमें आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, कोई भी जनरल कोच इसमें नहीं दिए गए हैं, मतलब सभी जनरल कोच है लेकिन आपको रिजर्व करके ही ट्रेन पे घुसना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो। जैसा भी हो तो टोटल हॉल्ट इस ट्रेन का रहता है टोटल 10 हॉल्ट, सब हॉल्ट मैं रांची तक नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं झारग्राम तक, बिकॉज टाउन में कोई बढ़िया जन नहीं आ रहा है, और मेरा इच्छा था टाटा नगर जाऊंगा, टाटा नगर से पारगी जन शताब्दी लेकर बैक करके आऊंगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा हो गया प्रॉब्लम, बिकॉज कल ही मैं एक जर्नी कंप्लीट करके आया हूँ तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। तो चलिए यही था थोड़ा बताना था, जाएंगे चलिए देखेंगे डिपार्चर और उसके बाद बात वगैरह करेंगे। चलिए देख सकते एकदम ऑन टाइम 12:50 पे हावड़ा स्टेशन से डिपार्ट कर चुका है, पास में खड़ा है भुवनेश्वर हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसका भी जर्नी बहुत जल्दी आ जाएगा।
गाइज आपको इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाएंगे। वॉशरूम दिखाने से पहले नया एलएचबी कोच का सामने जो मिरर है देख सकते हैं, क्लीन तो ऊपर क्लीन है, इधर डार्क स्पॉट थोड़ा व्हाइट स्पॉट वगैरह भरा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस का साइन मार्क दिया हुआ है देख सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए। वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, सोप होल्डर है, फायर एक्सटिंग्विशर इधर देख सकते हैं, और इधर डस्टबिन होना चाहिए लेकिन डस्टबिन नहीं है। तो चलिए जाएंगे वॉशरूम के अंदर और देखेंगे नया एलएचबी कोच में क्या फीचर्स मिला है। गाइज अभी मैं आ चुका हूँ 22891 हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भाया टाटा नगर के वॉशरूम में। वॉशरूम देखने से पहले सामने जो मिरर है देख सकते हैं, ज्यादा क्लीन नहीं है। आप लोगों को शायद क्लीन लग भी सकता है बिकॉज कैमरा में थोड़ा क्लीन आता है, इसीलिए ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्पॉट लगा हुआ है। और इधर देख सकते हैं इधर इंडियन एयरलाइंस का साइन मार्क है, नीचे नीचे भी एक इंडियन एयरलाइंस का साइन मार्क है देख सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, नीचे देख सकते हैं नीचे एक डस्टबिन है। और इंडियन साइड का वॉशरूम में देख सकते हैं एकदम क्लीन चकाचक है नया एलएचबी ट्रेन का। और यहाँ पे एक होल्डर है और यहाँ पे भी एक फ्लैशर देख सकते हैं, ये काम वगैरह कर रहा है ये सब। और इधर भी दो लॉक सिस्टम है और ऊपर एक सॉकेट है, कपड़ा वगैरह रख सकते हैं। और इधर एक मोगा दिया हुआ है नया, और उसको मोगा को क्या किया है चेन से बना हुआ है, ये सही किया है इंडियन एयरलाइंस ने। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हेल्पलाइन वगैरह ये सब लिखा है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो यहाँ पे आप आके कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लश है, बार बार बोलता हूँ जब पोटी वगैरह करेंगे तो फ्लश जरूर ऑन कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लीन और साफ सुथरा रखना आप लोगों का जिम्मेदारी है, जो आप लोग नहीं ये सब करेंगे तो क्या होगा, गंदगी फैलाएगा, तो ये तो सही नहीं है ना। तो जो भी हो तो चलिए आपके साथ सीधा खड़गपुर जंक्शन में जाके बात करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा स्किप वगैरह एंजॉय करते हैं, जैसे कि आपको पता है आपका भाई हमेशा स्किप वगैरह एंजॉय करवाता है वर्चुअली आपके लिए। तो चलिए खड़गपुर जंक्शन में जाके आपके साथ बात करेंगे। एक सौ 115 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर जंक्शन स्टेशन कोड केजीबी। और यहाँ पे इस ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन यहाँ पे पहुंचे 2 मिनट डिले। थोड़ा रिपोर्ट चल रहा था, हो गया थोड़ा आउटर में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा हो गया डिले। खड़गपुर जंक्शन जिसे ओपन किया गया था इन
99 का पेज, और टोटल 12 प्लेटफॉर्म है। और आईआईटी खड़गपुर के लिए फेमस है, आपको पता है खड़गपुर में आईआईटी है। एक 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 प्लेटफॉर्म में आपको दो नंबर मिल जाएगा, मतलब यहाँ है चार, उस तरफ हो जाएगा तीन, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। और खड़गपुर के बारे में और मैं बात करूँ तो खड़गपुर है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म में, चार नंबर पे फिलहाल खड़गपुर का नाम आता है। पहले तक एक नंबर था, अभी फिलहाल हो गया है चार नंबर। कमेंट सेक्शन में आके बताइए एक नंबर में कौन सा है, ठीक है? तो चलिए देखेंगे डिपार्चर, बिकॉज थोड़ा गाड़ी लेट। किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं झारग्राम। कैसा लगा नया एलएचबी का अवतार आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए। अगर आपको लगा कि आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रेवल कर रहे थे तो क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, और चैनल में नए हो तो भाई लोग कर लो सब्सक्राइब। देख सकते हैं झारग्राम स्टेशन एकदम
कोई लोकेशन ही कुछ अलग है, देख लीजिए। तो अगर आपको लगा तो कर दीजिए, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तो तब तक के लिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो क्या क्या होगा उससे, मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम में देता हूँ, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। और जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, थोड़ा बहुत पंचुअलिटी भी बढ़िया है, थोड़ा खड़गपुर में रुका के रख दिया था तो ये रुक गया, तो ये थोड़ा था, लेकिन ओवरऑल जर्नी सही था। ट्रेन थोड़ा पाँच सात मिनट डिले था, तो डिपार्ट ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट कर चुका है, आपको डिपार्चर दिखाएंगे। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन 20 झारग्राम IRF शुभदीप साइनिंग ऑफ।